अपनी पहली सुपरहिट मूवी कहो ना प्यार है से युवा दिलों में राज करने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने ड्रेस कंपटीशन में जीते प्रतियोगियों को शील्ड प्रदान की और अपने चाहने वालों से मुलाकात भी की। कहो ना प्यार है और गदर जैसी कई हिट फिल्म देने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने एक ड्रेस कंपटीशन में विजयी हुए लोगों को ट्रॉफी दी। इस दौरान अमीषा पटेल को देखने के लिए उनके चाहने वाले लोगों का तांता लग गया, जिस पर अमीषा पटेल ने सबसे मुलाकात भी की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। अमीषा पटेल ने इस कार्यक्रम में मौके पर मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब भी दिया और मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में आईफा अवार्ड कराने की बात भी कही। अच्छा ही, क्योंकि एक अच्छा कॉज है, बहुत प्रिविलेज लोगों के लिए जो जिन्होंने अच्छा काम हासिल किया है, तो उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। आई थिंक यूथ तो हर फील्ड में जा रहे हैं, कौन से ज़्यादा, they're going, they're becoming doctors, engineers, lawyers, everything. अच्छा ये हिंदुस्तान में जितने अच्छे अच्छे शहरों में शूटिंग हो, वहाँ तरक्की हो, एक ऑडियंस को उनके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि लोगों को लोग खूब ट्रैवल नहीं करते, तो इसके थ्रू तो उनको मिलेगा कि हाँ, अदर देन द पॉपुलर डेस्टिनेशंस, दूसरे भी डेस्टिनेशंस है जहाँ वो लोग विजिट कर सकें। ऑफ कोर्स, क्यों, मैं तो चाहती हूँ कि आईफा अवार्ड हमारे हिंदुस्तान के सब हिस्सों में हो, क्यों हम लोग भार्गव जाए, हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, हर साल अलग अलग सिटीज में हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।